कोरोना से संबंधित जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस के बारे में किया गया जागरूक। अपर एसपी बलवंत चौधरी व डॉक्टर वी के सिन्हा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ संपन्न। संगोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाथ न मिलाएं, नमस्कार करें, पास में खड़े व्यक्ति से दूर रहने की अपील, अपने साथ में सैनिटाइजर, खाने से पहले जरूर धुले हाथ। जनपद के समस्त थानाध्यक्षों से कहा, थाना क्षेत्र में विदेश से आने वाले की सूचना कंट्रोल रूम को अवश्य दें। डॉक्टर वी के सिन्हा द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। तो किस तरीके की गोष्ठी है और क्या समझ जाए, लोगों को जागरूक किया गया? कोरोना को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो संवेदनशीलता बनी हुई है उसको देखते हुए, क्योंकि हम सेंसर सर्विसेज हैं, हम जनता के बीच जाते हैं, उनके ग्रुप और सुख में उनके साथ रहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। जो तो हम पुलिस कर्मियों को सेंसिटाइज करने के लिए डॉक्टर वी के सिन्हा साहब, एडिशनल सीओ साहब ने इनको आमंत्रित किया है, पुलिस कर्मियों को कोरोना के बारे में बताएं और यह बताएं कि कोरोना से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता के बीच जा करके उनको भी संवेदनशील बनाएं और खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक करें। इस संबंध में ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। एक चीज़ और बताई डॉक्टर साहब ने कि जो भी विदेश से आने वाले व्यक्ति हैं, प्रत्येक विदेश से आने वाले व्यक्ति की हमको जानकारी होनी चाहिए जनपद में, तो इसके लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, चौकीदारों का सिस्टम है, थाने का सिस्टम है, बीट का सिस्टम है। यदि कि विदेश से आने वाले कोई व्यक्ति हमको जानकारी मिलती है, उसको हम जो है कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है, कंट्रोल रूम का नंबर चित्रकूट का, उस कंट्रोल रूम के नंबर पर जो है हम सूचना देंगे, जिससे ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन करके अन्य लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रत्येक जो इसके लक्षण थे, सामान्य रूप से प्रत्येक लक्षण को जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति नहीं समझा जा सकता है, इसके अलग अलग लक्षण थे, जांच के बाद यदि उसकी पुष्टि होती तभी उसके बारे में जो है हम कह सकते हैं कि वह ग्रसित है अथवा नहीं है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया। सर विदेश से ही क्यों, सर स्टेट से जो लोग आने वाले हैं, अदर जो स्टेट हैं उससे उनके लिए भी कुछ? हम जैसा कि बताया कि चूंकि विदेशों में इसका फैलाव ज़्यादा है और वहाँ से आने वाले व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकते हैं, सुरक्षा के रूप में जो है इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो लोग विदेश से आए हुए हैं उनको क्वारंटाइन रखकर उनकी पूरी जांच की जा सके कि ऐसा तो नहीं कि वो संक्रमित है और अन्य लोगों को फैलाएंगे। 31 मार्च तक जैसे बंद करने के निर्देश दिए गए, होटल हो गया है और मंदिर हो गया, इस तरह में किस तरह की पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? पुलिस पूरी तरीके से जो भी आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनका पालन कराने पूरी तरह से कटिबद्ध है और सहयोग करेंगे।